हर इंसान को जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना अपने मन में होती है, लेकिन उसकी वो तमन्ना पूरी हो जाए तो ठीक, लेकिन अगर नहीं हो तो उसे किस्मत का लेखा समझकर संतोष कर लिया जाता है। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने दम पर भाग्य के लिखे की बदलने की ताकत रखते हैं। देखिए बीकानेर से हमारी खास रिपोर्ट। मुद्दई लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अक्सर ये बात हमें सुनने को मिलती है, लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, ऐसे लोग सामने आते हैं जो अपनी तकदीर को ठोकर मार देते हैं, अपनी जन्म कुंडली को ठोकर मार देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ है, ऐसी ही एक शख्सियत है बीकानेर के सुदूर गांव मोमासर में। बजरंग लाल सुथार, संघर्ष की एक कहानी हम करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए बजरंग लाल सुथार की संघर्ष की कहानी। ये कहानी है बजरंग लाल सुथार नाम के उस चलते फिरते सामान्य से अशक्त बने हुए आदमी की। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के मोमासर गांव का रहने वाला ये शख्स भी एक सामान्य बच्चे की तरह पैदा हुआ। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही शादी के बंधन में भी बंधा, लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही बजरंग को लकवा मार गया। बीमारी से तंग आकर उसकी पत्नी ने बजरंग को छोड़ दिया, जिसके बाद जीवन के उतार चढ़ाव ने इस जिंदगी का असली सबक सिखा दिया। बचपन में खातिर पुश्तैनी काम करने वाला बजरंगी खाली समय में ऐसे ही पन्नों पर कुछ उकेर रहा था कि एक साथी की नजर उस पर पड़ी और उस व्यक्ति ने बजरंग को चित्रकारी करने की सलाह दी। बस फिर क्या था, बेरंग जीवन में रंग भरना शुरू हो गया। अपनी कोहनी से कलाई तक के हिस्से के सहारे से कूची पकड़कर सफेद पन्ने से चित्रकारी कर उनमें रंग भरते भरते बजरंग का जीवन फिर से रंगीन हो गया। मेरे साथ जब घटना घटी, मुझे ये पता नहीं था कि मैं एक दिन पेंटिंग बनाऊंगा या कुछ इस तरह का काम करूंगा जिससे मेरी पहचान बनेगी, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हाँ, एक गहरी वेदना, एक गहरी आत्मगिलानी ने मुझे इतना मजबूत कर दिया कि मुझे जीना है और मैं जीने के लिए बहाने तलाश रहा था। और बस ऐसे में ईश्वर की कृपा हुई कि मेरे जीवन में एक मित्र आया, उसकी प्रेरणा से मैंने ये पेंटिंग का काम शुरू किया। अतीत की यादों का बुरा साया आज भी कई बार बजरंग का पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जीने की हिम्मत के सामने पुरानी यादें दम तोड़ देती हैं। 3 शादीशुदा बहनों के इकलौते भाई बजरंग की चिंता माता पिता को अभी भी है। ओ लड़को है जो जहाज भी चढ़ा दियो और सागर पार भी कर दियो, और आज दिन हमारे मोमासर गांव के मायने कोई भी शो आदमी पढ़ा लिखा बहुत है, बाकी जट ओ पहुंचे बट वे कई को होगी करा क्या शायद तक ये करा इड़ो करा बैठा हूँ बस और की करा। ओ आप रो पेंटिंग करे घर चला वे रो फिर। बड़ा मुश्किल होता है किसी माँ बाप के लिए इस तरह अपने कलेजे के टुकड़े को इतनी तड़प में देखना, लेकिन अपने माँ बाप की इस तड़प और अपने इस दर्द को आंसू बनाने के बजाय कूची में रंग भरकर बजरंग का ये कारनामा देखने वालों को अचंभित कर देता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता यारो, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा ही कुछ अपनी जिंदगी में किया है बजरंग लाल सुथार ने। लाख बाधाओं, लाख वेदनाओं के बाद संघर्ष की एक कहानी को साकार करने का जो काम बजरंग लाल सुथार ने किया है, निसंदेह वो लाखों ऐसे लोगों के लिए अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है। कैमरा पर्सन विक्रम जागरवाल के साथ अरविंद व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज, मोमासर।